आज के जमाने में लैंडलाइन पर कौन फोन करता है? हे, तुम यहां से ना हिलोगे नहीं। हम आते हैं फोन सुन के स्टैचू। ओके, फोन करने वाले को भी हमारे और अज्जो के बीच में ही आना है। मधुमालती, काम हुआ कि नहीं? उम्मीद है वो भांग के नशे वाले लोबान ने अपना असर दिखा दिया होगा। अब अर्जुन और रज्जो के बीच दूरियां नहीं हो सकती। आज रात को ही रज्जो अर्जुन को तन मन सब तरह से अपना पति मान लेगी और फिर वही होगा जो हम चाहते हैं। है कौन ये औरत और इसे क्या मतलब है हमारे और रज्जो के रिश्ते से? आखिर चाहती क्या है ये? स्टेचू नहीं हिलते रज्जो। बाबू कहाँ रह गए तुम? क्या हुआ मधुमालती, तुम चुप क्यों हो? तुम फिर से चूक गई क्या? अर्जुन और रज्जो को करीब लाने से? देखो भूलो मत, अर्जुन के सर से अकाल मृत्यु का साया अब तक टला नहीं है और उससे बचने का अर्जुन के पास केवल एक ही रास्ता है, वो रज्जो। अर्जुन को रज्जो के करीब जाना ही होगा और जैसे ही वो उसे पत्नी सुख देगा, अर्जुन के सर से अकाल मृत्यु का खतरा टल कर रज्जो के सर आ जाएगा। यानी मधुमालती, तुम्हारे लल्ला को जीवन दान देने के लिए उस रज्जो को मरना ही होगा। लल्ला की जान बचाने के लिए रज्जो को मरना ही होगा। शादी हो गई तुम्हारी पूरी रस्मों रिवाज के साथ, बीवी है तुम्हारी वो, तो फिर ये सब अब ये तुम्हें हमें समझाना पड़ेगा क्या? हनीमून तो तुम दोनों का है ना, सिर्फ तुम दोनों जाओगी। रात में सब कैसा रहा जो? नहीं नहीं शादी हुई है तुम्हारी, थोड़ा उसके साथ में समय बिताओ, उसे समझो। जाने कितना तूफान कैसे आने लग गया है। कात बाबू कहाँ रह गए? नहीं, उन्होंने तो स्टेचू बनाया है। ना ना, मुझको देखना पड़ेगा। सॉरी। कहाँ है खाद बाबू? माई कहती है जब ऐसे बेमौसम बारिश और अचानक आंधी तूफान छाता है तो अच्छा नहीं होता। मुझको बहुत घबराहट हो रही है। कहाँ है खाद बाबू? हेलो हेलो, ये क्या? मेरे खाद बाबू मुझको
अकेले छोड़ के कहाँ चले गए? अर्जुन के सर से आकाश मृत्यु का साया अभी तक टला नहीं है और उससे बचने का अर्जुन के पास केवल एक ही रास्ता है, वो रज्जु। वो रज्जु। और जैसे ही वो उसे पत्नी सुख देगा, आकाश मृत्यु का साया उसके सर से हटकर रज्जु के सर आ जाएगा। जाओगी रज्जो, क्योंकि वो तुम ही हो जो हमारे अर्जुन की पत्नी कहलाने के लायक हो। सदा सुहागिन रहो। ये सब क्या हो रहा लल्ला? ये गद्दा नीचे और ये ऐसे रात भर तुम? अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपनी बहू रानी को एकदम लाड़ो रानी बना के रखेंगे। अच्छा लल्ला, हम क्या सोच रहे थे कि वैसे ही रज्जो थोड़ी उदास भी है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम रज्जो को कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? माँ जी भी यही चाहती है। इन्होंने कहा उनके बात नहीं टाल सकते ना। कितने स्टूपिड थे हम, कितने स्टूपिड थे हम। हमसे जो भी कहा हम मानते चले गए। अपना दिमाग नहीं चलाया हमने। ये सब धोखा था, सब फरेब था, वो भी हमारे अपनों के द्वारा किया गया धोखा, सब फरेब था। लेकिन रज्जो, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, हमने तुमसे प्यार किया रज्जो, हमने तुमसे कोई फरेब। हमने तुमसे प्यार किया और किस मुंह से हम तुम्हें बताए रज्जो? क्या बताए तुम्हें? क्यों बा? क्यों क्या ऐसा? क्यों क्या? आपने एक पल में ये कैसे सोचा कि हम उस पल में जिएंगे जिस पल में रज्जो हमारे साथ नहीं है? रज्जो हमारी मोहब्बत है, हमारा प्यार है, हमारा इश्क है, जो बड़ी बदनसीबी से हमें मिला, जो हमसे छीन लिया गया। अपने प्यार का ना हम इकरार कर पाए, ना हम इजहार कर पाए, और ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ, आपकी वजह से। हम दोनों एक हैं, ये पता था आपको। आपने हमारे लिए जिंदगी चुनी और रज्जो के लिए मौत। किस हक से माँ, किस हक से? आपको गुरु माँ के ऊपर यकीन था, हमें हमारी माँ के ऊपर यकीन था, हमारी माँ के ऊपर यकीन था हमें। आपने सोचा भी कैसे कि हम जिंदा रहेंगे? हम बस एक ही आस में जिंदा रहेंगे कि मरना कब है? क्या?
कहत बाबू कहाँ चले गए, फोन भी नहीं कर सकती, घर पर छोड़ा है। माँ जी को ना ना, वो बेकार परेशान हो जाएंगे। खाद बाबू, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझको अकेले छोड़ के बिना बताए? तुम ठीक तो हो ना? रजो तुम घर जाओ। ना, तुम कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे। बताओ ना क्या हुआ है? मुझसे गुस्सा हो क्या? मैंने कोई गलती कर दी? हाँ रज्जो, बहुत बड़ी, हमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है तुमने। बोलो ना, मैंने कोई गलती की है? रज्जो तुमने कोई, रज्जो तुम। हाँ मैं क्या खात बाबू, बोलो ना क्या हुआ? तुम, ओ मैं उस तेजू नहीं बनी हूँ इसीलिए गुस्सा हो ना? मैं बनी थी, सच्ची कह रही हूँ। तुम जैसे वहां बोल के आए थे ना, मैं वही लेटी हुई थी सच्ची। फिर तुम नहीं आए तो मैं थक भी गई थी और डर भी। मुझको लगा तुमको कुछ हो तो नहीं गया। तुम हमारी चिंता मत करो, अपनी फिक्र करो, घर जाओ। ना, मैं ऐसे अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी चलोगे मेरे साथ। इतनी इतनी रात हो गई है, इतनी ठंड है यहाँ, तुम नहीं रुकोगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो। तुमसे कहा ना कि हमारी चिंता मत करो, अपनी फिक्र करो, अपनी जान बच। प्लीज गो, घर जाओ। जाओ। तुझसे घर आ जाओ खात बाबू, कोई कोई लड़ाई बहस कहां सुनी भी तो नहीं हुई थी। फिर क्यों चले गए ऐसे? बल्कि कल तो हम खुश थे ना। कितने दिनों बाद अपने दिल की बातें कर रहे थे। फिर मैंने ऐसा क्या कह दिया, क्या कर दिया? कौन सी गलती करती? छूतू में तो गुस्सा। रजो क्या हुआ, ये रो क्यों रही है? लगता है गुरु माँ का दिया लोभान भी बिसर ही रहा। कहीं मेरे पीछे से पुष्कर ने तो कुछ बुरा, वो तो हम सबके साथ था, फिर मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ? भाई
रज्जो क्या हुआ तुझे? रज्जो सब ठीक तो है बच्चे? बोल क्या हुआ? रज्जो क्या हुआ? और ये अर्जुन का है? कहीं हमारे लल्ला को तो कुछ क्या हुआ? रज्जो हाँ अर्जुन का है, लल्ला का है, वो ठीक तो है? हाँ बताओ रज्जो क्या हुआ है, कहाँ है वो? चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? बीच रात को घर से निकल के चले गए। मैं उनको ढूंढते हुए पीछे पीछे गई। वो पास वाली मंदिर है ना, वहाँ थे। मैंने उनको बोला कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन उन्होंने मुझ पे चिल्लाया, डांटा बहुत ज्यादा। मैंने कुछ नहीं किया। चाहे कितने भी बड़ी बात हो जाए, अर्जुन कभी इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ता। फिर आज क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, रज्जो रज्जो रो मत, छोटे को तो हम डांटेंगे, और हम ही नहीं माँ भी डांटेंगे। माँ अर्जुन को रज्जो के करीब जाना ही होगा, और जैसे ही वो उसे पत्नी सुख देगा, अर्जुन के सर से आकाल मृत्यु का खतरा टल कर रज्जो के सर आ जाएगा। यानी मधुमालती, तुम्हारे लल्ला को जीवन दान देने के लिए उस रज्जो को मरना ही होगा। लल्ला, लल्ला तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो बेटा? क्या हो गया? रज्जो भी बता रही थी कि तुम रात भर से बाहर हो। कोई बात है बेटा? रज्जो ने कोई गलती तो नहीं की है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बात क्या है? अरे बताओ तो लल्ला। मर गया आपका लल्ला, मर गया। जीते जी आपका लल्ला मर गया। तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बात कानों में चुभ रही है आपकी आवाज, चुभ रही है हमें। नफरत हो रही है आपके लाड से, आपके प्यार से, आपके दुलार से, बेटा कहलाने से हमें नफरत हो रही है माँ। तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हम माँ है, माँ है तुम्हारी। इसी बात का तो अफसोस है, क्या हमारी माँ है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।